नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि 4000 वॉच टाइम को पूरा करने के लिए क्या कोई प्लान है, तो यही हमारे डिस्कस करने वाले हैं। और आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये शुरू करते हैं। तो अगर आपको 4000 सब्सक्राइबर का अगर प्लान आपको ढूंढना है, आपको एक लेआउट चाहिए कि कैसे इसको अचीव करना है, एक ब्लूप्रिंट चाहिए, तो ये वीडियो आपको कारगर हो सकती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आपको नीच होना ज़रूरी है। नीच और आपके जो ऑडियंस है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपकी जो नीच है, अगर आप उसके ऐसी कोई नीच आपकी है जिसमें आप बहुत पैशनेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो कोर बिजनेस है वो इंश्योरेंस है, तो मैं उसके बारे में पैशनेट हूँ। यूट्यूब मेरा एक पैशन है, वीडियो क्रिएटिंग मेरा पैशन है, वीडियो एडिटिंग मेरा पैशन है, तो इस चीज़ में वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अगर उस तरह का आपका आपको सिलेक्ट नीच करना है जिसमें आप फोकस रहे, आपको वीडियो बनाने में मज़ा आए, और जो नीच में आप की उसकी एक्सपर्टीज हो, इस तरह के अगर आप नीच बनाते हो तो आपको वॉच टाइम बढ़ाने में दिक्कत नहीं आती, फास्ट ग्रो होता है चैनल, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्टीज हो, आप बात करने में आपको मज़ा आएगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, तो उस तरह के आप वीडियोस बनाइए। सेकंड है, आपको जो वीडियोस बनाने हैं वो हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने हैं। आपके व्यूअर्स ऐसे वीडियो देखना पसंद करेंगे जिस पे अच्छे ग्राफिक्स हो, अच्छे क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। इस तरह के अगर आप वीडियो बनाते हो तो ऑडियंस उसको रिटेन करेंगी, क्वालिटी वीडियो को देखना पसंद करेगी और उसमें बार 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 आना आएगी और आप वीडियो देखेंगे। तीसरा है कीवर्ड रिसर्च करना। कीवर्ड सर्च करने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वीड आई क्यू, देन SME रश है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हो, इससे कि आपको कीवर्ड के बारे में पता चलेगा, और प्रॉपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन और टैग्स आपके वीडियोस में लगाए जिससे कि वो जो आपकी वीडियो है वो सर्चेबल हो। तो इस तरह के आप इस्तेमाल करोगे, पॉपुलर आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका जो कोई सर्च करेगा तो रिजल्ट आपका पहले आ जाए, फ्रंट में आ जाए, तो उससे आपको एक विजिबिलिटी मिलती है। देन SEO ऑप्टिमाइजेशन करें, आप अपने वीडियो पे ऐप से ऑप्टिमाइज करें जिससे कि जो रिलेवेंट कीवर्ड है, अपीलिंग टाइटल्स है, इस तरह के टाइटल्स आप डालें कि वो अपीलिंग हो, और डिस्क्रिप्शन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें। आपको डिस्क्रिप्शन जो बनाना है बहुत ही अच्छी तरह से बनाना है जिसमें आपके ऑडियंस को पता चले कि आप इस वीडियो में उनको क्या डिलीवर करने वाले हो, और अगर वो कब कभी रेफर भी करता है आपके वीडियो, अगर वो पढ़ के भी समझ जाता है कि इसमें ये पॉइंट कवर हो रहे हैं और आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो भी उनके लिए एक मीन्स ऑडियंस के लिए अच्छा होगा। और एक आई कैचिंग थंबनेल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जो तो थंबनेल आप बना रहे हो वो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव, आई कैचिंग हो। डिफरेंट टूल्स आप यूज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वीडियो प्रमोशन के लिए, तो प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रमोट कैसे कर सकते हो? तो मैं जो प्रमोट करता हूँ, मेरा जो वीडियोस है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैं प्रमोट करता हूँ फेसबुक पे, देन इंस्टाग्राम पे, देन ट्विटर पे, और अभी जो थ्रेड आया है इंस्टाग्राम का थ्रेड, उस पे भी मैं वहाँ पे प्रमोट करता हूँ। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत जल्दी आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ती है, और वहाँ से भी आपका जो रीच है वो बढ़ता है, लोगों तक पहुँचता है। मैंने बहुत ही अच्छा रीच बढ़ाया था। वो था कि कोरा जो जहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसमें भी अगर आप किसी के क्वेश्चन के आंसर देते हो फिर भी आपकी रीच बहुत अच्छे तरह से बढ़ती है। इसके बाद आता है कोलैबोरेट करना। तो आपका जो नीच है, आपका जो टॉपिक है, आप जिस तरह के वीडियो बनाते हैं उस तरह के जो आपके सेम तरह के जो यूट्यूबर्स रहेंगे उनसे आप कोलैबोरेट करें, उसमें जाके आप गेस्ट बनिए या फिर उनको बुलाइए और क्रॉस कोलैबोरेट करें, क्रॉस प्रमोट करें,
उनके इसमें आप जाइए उनके चैनल पे, और आप आपके वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए और उनकी वीडियो आप अपलोड करें, तो ऐसा क्रॉस प्रमोशन के कारण क्या होगा कि उनके जो ऑडियंस है, अगर उनके फैन फॉलोइंग 2000 है, आपके फैन फॉलोइंग 2000 है, तो आपके जो फैन फॉलोइंग है वो भी उनके तरफ ट्रांसफर हो गया, उनके भी आपके तरफ ट्रांसफर हो गया, तो ये विन विन सिचुएशन एक तरह से बन जाएगी जिसमें एक दूसरे को वो प्रमोशन मिल जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। यूट्यूब SEO का ध्यान रखिए, यूट्यूब SEO टेक्निक का इस्तेमाल करें, बहुत सारे SEO टेक्निक्स है, वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्च इंजन आपकी वीडियो को समझ सकता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है एंड स्क्रीन और कार्ड्स लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आप देखते होंगे कि मेरे वीडियो को एक आई करके ऐसे बटन आता है जिस पर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन होती है, तो वो आई कार्ड, उसको कार्ड्स बोलते हैं, वो आपको लगाना जरूरी है। और जो एंड स्क्रीन होता है उस पर दो ऐसे जो रिलेटेड वीडियो है, या एक मोस्ट व्यूड वीडियो बोल सकते हैं, या मोस्ट रिसेंट वीडियो, ये ऐसे नीचे लास्ट में अगर मेरा वीडियो खत्म होता है तो उस पर आता है। तो ये लगाने से क्या होता है कि वो जो आपका व्यूवर है वो रिडायरेक्ट होता है उस वाले वीडियोस पे, उससे आपका वॉच टाइम इंक्रीज होता है। तो ये आप कर सकते हो, एंगेजमेंट बढ़ाए, आपको जो कमेंट्स आते हैं, आपको जो लाइक्स आते हैं उसको रिप्लाई करें। कमेंट्स को रिप्लाई करने से क्या होता है कि एक कनेक्ट बनता है कि आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके कमेंट्स को रिप्लाई दे रहे हो। और अगर कोई आपका व्यूवर है वो फेसबुक में आप कनेक्ट कर सकते हो, उनकी कुछ क्वेरी है तो आप रिजॉल्व कर सकते हो, इंस्टा पे रिजॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे इंस्टा पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो मेरे से बात करते हैं, उनकी अगर कुछ तकलीफ रही मेरा नंबर भी मैं उनको शेयर करता हूँ, अगर उनको कुछ मेरे से जानना रहेगा तो मैं डेफिनेटली उनको कोशिश करता हूँ कि कुछ हेल्प हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप यूट्यूब एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हो, YouTube स्टूडियो आपके पास आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें से आपको पता चलेगा कि किस वीडियो पे सबसे ज़्यादा आपको व्यूज़ आ रहे हैं, कौन से वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यू आए, वॉच टाइम आए, इससे आपको एनालिसिस करने में हेल्प होगी। YouTube कौन से आपके वीडियो को सबसे ज़्यादा रिकमेंड कर रहा है, उसमें आपने क्या यूनिक किया, उसमें आपने क्या क्वालिटी दी है, ये सब आप आइडेंटिफाई कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है यूट्यूब एक इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है वो इसी के ऊपर है कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी रखिए, आपको हार नहीं माननी है भाई। 12 12 साल से लोग वीडियो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, कई सालों से वीडियो बना रहे हैं, तब जाके उनको सक्सेस मिली है। एक दिन में किसी को भी सक्सेस मिल सकती है, सभी गरीब वीलॉग टाइप नहीं होते। गरीब वीलॉग जो था उसने इमोशनल कर करके लोग उल्लू बना बना के, मैं किसी को बुराई नहीं करना चाहता, बट इमोशनल करके कि मैं गरीब हूँ करके वो बहुत ही कम समय में 1 साल के अंदर वो बहुत मिलियन फॉलोअर्स उसके बन गए, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि वो सही तरीका होना चाहिए इस तरह का। तो पेशेंस रखिए, यूट्यूब आपके जो मेहनत है तो उसको प्रोत्साहित करता है, आप अगर कंसिस्टेंट वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो हो गई होगा। मेरा भी एक समय था जब मुझे व्यूज़ नहीं आते थे, बट मैंने जब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी रखी तो धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ना चालू है, मेरे एक एक वीडियो पे 33,000 तक व्यूज़ गए हैं। ये फिर जैसे मैं कंसिस्टेंसी रख रहा हूँ तो इस पे भी और इम्प्रूव होते जा रहा है। तो याद रखिए कि चैनल और ये ऑडियंस आपके यूनिक होते हैं, आपको आपके कंटेंट यूनिक रखना है, आपके जो वीडियोस है, आपके जो तरीका है बात करने का ये यूनिक है, सब अपने अलग अलग तरह से बात करते हैं, तो आपकी वीडियो यूनिक है, अलग है, तो कोई आपको कॉपी नहीं कर सकता। यू आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, सो यू आर यूनिक, सो आपके जो ब्रांड है उसको आप बढ़ाइए, आपका तरीका यूज़ कीजिए, किसी कॉपी मत कीजिए, आप डेफिनेटली ग्रो होगे। ये मेरा दिल से आपको लक है और दिल से इच्छा है कि आप बड़े हो, और जो भी ये वीडियो देख अगर इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है और वीडियो बनाता है तो आज भी तो कल वो इस राह पे चल रहा है कि एक वो पैसिव इनकम जनरेट करने की राह पे निकल गया है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो और इसको इम्प्लीमेंट करके आप खुद का एक चैनल बना रहे हो और कुछ
लोगों ने भी अगर अपना वीडियो बना के, यूट्यूब वीडियो बना के पैसे अर्न करना चालू किया, तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी कि मेरी वीडियो देख के कोई तो इंस्पायर हुआ और एक वीडियो बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।